बच्चों आज हम लोग ने चतुर्थ पाठ पढ़ने जा रहे हैं और चतुर्थ पाठ में किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? हस्य बाल कवि सम्मेलनम। हस्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ क्या है कि कुछ बालक है जिस बालक में क्या है हास्य कवि है, मतलब वो अपनी कविता के माध्यम से दूसरे को हंसाते हैं, ठीक है। और उन लोग का उन बालक का क्या है एक सम्मेलन है, ठीक है। क्या हो सकता है चार पांच बालक मिलकर क्या कर रहे हैं अपने कविता के माध्यम से दूसरे को हंसा रहे हैं, उसको कहते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में कौन किसको हंसाता है। देखो विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालक कवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारिणः, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा मतलब अलग अलग वेशभूषा धारिणः वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बालकवयः, चारों बच्चे क्या कर रहे हैं बाल कवि, चारों बच्चे क्या कर रहे हैं मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं, ठीक है। क्या है कि एक मंच के ऊपर क्या कर रहे हैं कि एक मंच किसको कहते हैं स्टेज, जिसके ऊपर आप लोग जाके क्या करते हैं प्रेयर करते हैं कुछ डिबेट देते हैं, है ना, उसको कहते हैं मंच। तो चार बालक अभी क्या कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बालकः, चार बालक ने मंच के ऊपर जाके बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अधः मतलब नीचे, नीचे क्या हुआ है श्रोतारः, नीचे श्रोता जो सुनते हैं उनको श्रोता कहते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग कभी स्कूल में डिबेट देते हैं जाके स्टेज के ऊपर, नीचे सारे बैठकर सुनते हैं आपके बात को, कि कभी गाना गाते हो तो नीचे सारे बैठ के सुनते हैं, जो सुनते हैं उनको कहते हैं श्रोता। तो नीचे श्रोता बैठकर क्या कर रहे हैं हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कवि को हास्य कविता को सुनने के लिए, ठीक है, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक सन्ति उत्सुक हैं, ठीक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं शोर कर रहे हैं, ठीक है। कोलाहलम का अर्थ है शोर, शोर कर रहे हैं। तो नीचे श्रोता बैठकर क्या कर रहे हैं उन चारों बालक का हास्य कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, उसके साथ साथ भी क्या कर रहे हैं कोलाहल कर रहे हैं। संचालक, संचालक क्या कर रहे हैं अलम कोलाहलिना शोर मत करो, अलम का अर्थ है मत करो, क्या मत करो कोलाहलिना, कोलाहलन का अर्थ है शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालय पकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। तो क्या कह रहे हैं अद्य परम हर्षस्य, आज क्या है आज बहुत खुशी का मौका है, ठीक है। हर्षस्य अर्थ खुशी का, अवसरः का अर्थ मौका है, आज बहुत खुशी का मौका है। यद यदि कि क्या है अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में क्या है कि काव्य हंतारः भारत के काव्य को नष्ट करने के लिए, हंतारः का अर्थ क्या है नष्ट करने वाला, ठीक है। तो भारत के काव्य को नष्ट करने वाले और कौन है कालय पकाश्य भारतस्य, तो भारत के हास्य कला को नष्ट करने के लिए भारत के काव्य को नष्ट करने वाला और समय बर्बाद करने वाला कालय, कालय अपकाश्य, काल मतलब समय और समय को अपकाश्य का अर्थ है नष्ट करने वाला और समय को नष्ट करने वाला भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः, भारत के हास्य कवि धुरंधर क्या है धुरंधर का अर्थ क्या है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः सन्ति आए हुए हैं। तो संचालक क्या कहा कि अलम कोलाहल है ना, मतलब कोलाहल मत करिए क्योंकि आज बहुत खुशी की मौका है, खुशी के दिन है कि इस कवि सम्मेलन में कौन आए हैं भारत के काव्य को नष्ट करने वाला
करने वाला श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। ठीक है, और क्या है, एही करतल धोनीना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो क्या करेंगे, एही मतलब आइए, करतल धोनीना मतलब तालियों से, वयम हम सब, एतेषां इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब क्या करेंगे, करतल धोनीना मतलब क्या है कि करतल धोनी से, तालियों से हम सब क्या करेंगे, इनको स्वागत करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। किनका स्वागत करेंगे, जो चार बच्चे आए हैं, जो चार हास्य कवि आए हैं, ठीक है, उन चारों का स्वागत करेंगे। किसने बोला, संचालक ने बोला। संचालक ने श्रोता लोग को बोला कि आइए हम सब इन चारों बच्चों को, इन चारों हास्य कवियों को तालियों से स्वागत करेंगे। फिर उनमें से देखिए, गजाधरः सर्वेभ्य अरसिकेभ्य मतलब सर्वेभ्य अरसिकेभ्य सब नीरसजनों को, और अरसिकेभ्य का अर्थ है नीरसजनों, मतलब जिनको कोई चीज में इच्छा नहीं रहता है, मन नहीं रहता है, उनको क्या कहते हैं, नीरसजनों। तो सर्वेभ्य अरसिकेभ्य नमः नमः, सभी नीरसजनों को मेरा क्या है, मेरा नमस्कार। किसने बोला, उन चारों बच्चों से एक बच्चा का नाम क्या था, गजाधरः। गजाधर सभी को हंसाने के लिए क्या बोला कि सभी नीरसजनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, ठीक है, प्रथम क्या है, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य मतलब डॉक्टर को, डॉक्टर के उद्देश्य सीक्वियम काव्यम श्रावयामी, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य को लेकर अपना काव्य सुनाता हूँ। ठीक है, श्रावयामी का अर्थ है सुनाता हूँ, क्या सुनाता हूँ, सोकियम काव्यम अपना काव्य, अपना कविता सुनाता हूँ। और उद्देश्य क्या है कविता का, कि उद्देश्य है कि आधुनिक वैद्य मतलब आधुनिक डॉक्टर को लेकर वो क्या करेगा, अपना काव्य, अपना कविता सुनाएगा। तो देखो क्या है कविता में, वैद्य राज नमस्तुभ्ये यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धन धनानी च सर्वे उच्च ही हसंती। ये पद्य को सुनकर, ये कविता को सुनकर सब हंसने लगे। तो क्या था ये कविता का अर्थ, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। वैद्य राजा है, वैद्यराज है डॉक्टर, नमस्तुभ्य आपको नमस्कार है, यम राजो सहोदर और आप क्या है, यमराज के भाई है, कि हे यमराज के भाई है वैद्यराज, तुमको क्या है, नमस्कार है, नमस्तुभ्य मतलब नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम क्या करता है, प्राण को हराता है, किंतु वैद्यम प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य क्या करता है, प्राण और धन को दोनों को हर ले जाता है। ठीक है, तो यम क्या करता है, यम तो सिर्फ अपना प्राण ले जाता है, यमराज क्या करते हैं, यमराज तो प्राण को हरता है मतलब प्राण को ले जाते हैं, लेकिन वैद्य क्या करते हैं, प्राण और धन संपत्ति मतलब दोनों का हर ले जाते हैं। कितना अच्छा कविता है देखो। तो क्या कह रहा है ये गजाधर कि वैद्य राज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर और ये यमराज, तुम दोनों भाई हो, सहोदर का अर्थ क्या है, भाई हो, और तुम दोनों भाई को क्या है, मेरे नमस्कार है। क्यों, क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, यम तो क्या करता है, हरति हर लेता है, ले जाता है क्या, प्राणान अपने प्राण को ले जाता है, लेकिन वैद्य क्या करता है, धन के साथ साथ संपत्ति के साथ साथ हमारे प्राण को भी ले जाता है। तो इसीलिए हे यमराज, हे वैद्यराज, आप दोनों भाई ही है और आप दोनों को मेरे नमस्कार है। ठीक है, तो ये सारे बात सुनकर सर्वे उच्चे ही हसंती, सब जोर से हंसने लगे। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे आगे क्या हुआ नेक्स्ट क्लास में।